आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी की सब्जी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही अलग सा फ्लेवर देता है। तो इस बढ़िया सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। पील भी कर सकते हो, तो इस तरह से हम इसे पील करते जाएंगे और इसका छिलका हम जो है सारा निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी सारी हल्दी जो छील कर साफ कर लें और तैयारी कर लें। यहाँ पर कढ़ाई मैंने एक पैन पर रख दी है और जैसे ये गर्म हो जाता है तो इसमें मैं घी डाल दूंगी। तो ये सारा घी हम इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो घी ये मेल्ट हो गया है। जैसे घी मेल्ट हो जाता है इसमें हम डालेंगे जीरा, तो ये आधा छोटा चम्मच जीरा है और साथ ही जाएगा हींग, एक चौथाई चम्मच हींग। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसे मैंने क्रश करके रखा हुआ है, तो ये दो बड़े चम्मच हम अदरक इसमें डाल देंगे। दो मिनट अदरक को पका लेते हैं और अब इसमें जाएगा लहसुन, तो क्रश किया हुआ ये लहसुन दो चम्मच हम इसमें डाल देंगे। इसे भी हल्का सा पका लेंगे। और इसके बाद जाएगा चॉप एक कटोरी प्याज, गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम रखते हुए इसे हम पका लेते हैं। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ अदरक भी डालकर इसे पका सकते हैं। प्याज का कलर जैसे ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैं इसमें डालूंगी हल्दी। ये हल्दी एक कटोरी है, इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ और बारीक इससे मैंने इसे ग्रेट किया हुआ है। हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, तो ये दो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हैं, दो डाल दूंगी। साथ ही जाएगा इसमें मटर, तो ये आधा कप के करीब मटर है, इसे भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसे। मसाले यहाँ मैं डाल दूंगी धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच, साथ ही डालेंगे गरम मसाला एक छोटा चम्मच आधा चम्मच के करीब और नमक डाल रहे हैं हम अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए है ये सिर्फ, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ मैं डालूंगी एक छोटा कप पानी और पानी डालकर इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे दो मिनट तक के लिए। तो
तो यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। इस बीच में मैंने इसे हिला के दिया था, तो आप देख सकते हैं तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है और जो हल्दी है वो अच्छे से गल गई है और मटर जो है वो भी साथ में पक गए हैं। तो जैसे ही ये गल के पक कर तैयार हो जाए तो इसमें अब हम डाल देंगे दही। तो मीठा दही होना चाहिए, खट्टा ना हो। तो ये फेंटा हुआ दही है, इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम में, जब तक कि दही में एक उबाल ना आ जाता है। हिलाते हुए मेरे को 2 मिनट हो गए हैं और ये सब्जी में जो दही है वो पक गया है, तो इसे मैं यूं ही ढककर पकने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए अंदर तक। सब्जी में बॉईल आना शुरू हो गया है, लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। बीच बीच में आप इसे मिक्स करते रहें और अच्छे से इसे ग्रेवी बनने तक सुखा लें। रिड्यूस कर लेना है हमने काफी इसे। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जी जो है अच्छे से पककर तैयार है। तो यहाँ हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसमें पड़ेगा हरा धनिया। तो आप काफी सारा हरा धनिया ले और इसमें डाल दे, अच्छे से मिक्स कर ले इसे। तो ये हमारी डिलीशियस सब्जी बनकर एकदम तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी परांठे के साथ खाएं, बहुत ही ये टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, पसंद आए तो आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें।